थाई एंड लेग्स की एक्सरसाइज, जिससे आपकी थाई मसल्स हिप जॉइंट्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आपका पद्मासन नहीं लगता तो आपका पद्मासन लगने लगेगा, आपकी थाई का फैट रिड्यूस हो जाएगा, हिप्स का फैट रिड्यूस हो जाएगा, आपके जो साइड में फैट है जो टायर जैसे बने हैं वो उसका फैट रिड्यूस हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज है, इसमें आपको स्क्वाट करने हैं, इस तरीके से पैरों में गैप देना है, देन नीचे की तरफ को ऐसे करके बैठना है। ये आपको 30 टाइम्स करना है, 3 सेट। देन जो सेकंड आपको आसन करना है, आपको अश्व संचालन की स्थिति में आना है, देन उसके बाद आपको इस तरीके से पोजिशन बना के आप पीछे की तरफ को अपना पैर करेंगे, देन आगे की तरफ को 20-20 टाइम्स करेंगे इनको, देन रिपीट करेंगे इसको दूसरी साइड भी 20 टाइम्स एक पैर से, 20 टाइम्स दूसरे पैर से, और इसके भी आपको 3 सेट करने हैं। ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे, आपके इनर थाई, आउटर थाई, आपके हिप्स का फैट ये सारा ही रिड्यूस करेगा। देन नेक्स्ट आपको इस तरीके से बैठना है जैसे बटरफ्लाई पोज में आप बैठते हैं, देन पैरों को इस तरीके से ऊपर की तरफ को लाना है सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ को करना है। ये भी आपको 30 टाइम्स करना है, इसके भी अगर चाहे तो 2-3 राउंड आप इसके कर सकते हैं। देन आपको हाथों को इस तरीके से पकड़ के बटरफ्लाई करनी है, बटरफ्लाई आपको 2-3 मिनट करनी है स्टार्टिंग में, देन 5 मिनट तक आप इसको करेंगे। इससे आपका यूट्रस बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वो ठीक हो जाएगी, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी इससे ठीक होती है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है वो भी बटरफ्लाई पोज करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपको इस तरीके से ही बैठना है और आगे की तरफ को आपको सांस छोड़ते हुए जाना है। कोशिश करनी है अपने नोज को ग्राउंड से टच करने की, अगर ना हो पाए तो जितना आप बेंड कर सकते हैं सांस को छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ को बेंड करना है। देन उसके बाद आपको पैर को इस तरीके से पकड़ना है और ऊपर की तरफ को आपको इस पे होल्ड करना है। ये आपके जो हिप जॉइंट है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा, हिप मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स बहुत ही अच्छी तरीके से टोन होंगी और आपका फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। इस पोजीशन में आपको 15-20 सेकंड तक होल्ड करना है, 3 राउंड इसके भी आपको करने हैं। ये आप दोनों पैरों से रिपीट करेंगे, आप देखेंगे आपके 15-20 दिन, अब इंचेस आप नोट कर लीजिएगा, 15-20 दिन में ही आपका जो इफेक्ट है वो देखने को आपको मिल जाएगा। जिनका पद्मासन नहीं लगता उनका पद्मासन लगने लगेगा। हनुमान आसन फ्रंट स्प्लिट के लिए ये प्रिपरेटरी एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।